मुंबई उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अन्नाभाव साठे मैदान में किया गया। मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जगताप और कार्याध्यक्ष चरण सिंह सफरा के आदेशानुसार उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी ने अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी बैठक ली। इस मौके पर संजय निरुपम, मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हाजी बब्बू खान, पूर्व विधायक व कार्याध्यक्ष उत्तर पश्चिम जिला के अशोक जाधव और मुंबई उत्तर पश्चिम अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष फिरोज खान सहित गोरेगांव, दिंडशी, अंधेरी, पूर्व पश्चिम, जोगेश्वरी, वसोवा विधानसभा कांग्रेस के जिला मुंबई उत्तर पश्चिम के सभी नवनिर्वाचित मुंबई कांग्रेस के पदाधिकारियों का सत्कार समारोह रखा गया, जहां आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की गई और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। नए अध्यक्ष जो मुंबई के बने हैं कांग्रेस पार्टी के, श्री भाई जगताप साहब, उन्होंने बब्बू खान जी को एक निर्देश दिया है कि तालुके तालुके में माइनॉरिटी की मीटिंग, तो अब आप सब लोगों को बेसिकली भाई जगताप जी का जो संदेश है वो हम देना चाहते हैं, फिरोज खान जी जो आपके जिला अध्यक्ष है उनके माध्यम से, कि तालुका में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है माइनॉरिटी से जुड़े हुए, उन सभी लोगों को जमा करो। उन सभी लोगों के बीच बब्बू खान साहब आएंगे, जिलाध्यक्ष आएंगे और भी कुछ मुंबई कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को बुलाइए, जो कनेक्शन जो हमारा रिलेशन उसको और मजबूत किया जाए। ये बट नहीं हो रहा, ये प्रयास नहीं हो रहा, ये प्रयास शुरू करना, खास करके इसकी परीक्षा, इसका इम्तहान जो होगा, ये जो हमारा रिश्ता अभी भी मजबूत है कि नहीं है, इस सवाल का जवाब आपको कॉर्पोरेशन चुनाव में मिलेगा। और ठीक उस समय जब असहोदित ओबीसी एकदम साढ़ की तरह पूरे देश में आ रहे हैं, दौड़ रहे, क्या है, कैसे है, किसका बैकग्राउंड है, उसको कौन पैसा दे रहा है, सब बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सच है कि असहोदित ओबीसी मुस्लिम समाज को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम इस मायोरिटी का जो एक रोल मुंबई में होना है उसका हम सही उपयोग करेंगे और वो उन्हीं माइनॉरिटी के पदाधिकारी जितने भी हैं उन सबके साथ में लेके काम होगा कि इलेक्शन के पीरियड में जब होता है तो माइनॉरिटी के बहुत सारे पदाधिकारी ये शिकायत करते हैं कि हमको पूछा नहीं जाता, हमको देखा नहीं जाता, तो इससे हमको एक बड़ी हिम्मत आई कि हमारे अध्यक्ष ने हमको एक मौका दिया है और हम भी अपने जो हमारे अंदर पूरी माइनॉरिटी मुंबई की जो टीम है उसके अंदर जो ताकत है वो हम दिखाना चाहते हैं। हर कैंडिडेट को बोलता हूं जो मेरे एरिया में खड़ा है, अगर मुझसे गलती होती आप बता दो, मैं तुरंत आपसे माफी मांगू। कोई भी कैंडिडेट के खिलाफ, आज तक मैं 76 से हूं, किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ मैं काम नहीं किया। हाँ, विरोध करता हूं टिकट लेने के टाइम पे, क्योंकि सबको हक है टिकट मांगने का, उसमें विरोध होना चाहिए, हर एक का कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन जब टिकट कोई आदमी लेता है तो खुल के उसको मदद करनी चाहिए। अगर करते हो तो ही आप कांग्रेस वाले हो, नहीं तो फिर नाम मात्र हो और पार्टी को डिस्टर्ब करने को आए, ऐसा हो सकता है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वाकई में जैसे निरुपम साहब ने बताया और फिरोज खान खुद बताए कि माइनॉरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं होता है, उससे और भी जुड़े हुए बहुत सारे समाज है, उस समाज की तरफ हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है, वहां जाके उन लोगों को जोड़ना, और माइनॉरिटी के वोट जब ये चुनाव आएगा तो वोट कटवा पार्टी बहुत आ जाती है, जो माइनॉरिटी के ऊपर ही उनकी नजर होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं सामने की पार्टी भी उनको बी टीम बना के रखी है, जो वोट कटवा पार्टी उनको, क्योंकि उनके वोट काटने से ही हमारे वोट कटने से उनका बहुत फायदा है। ये चीज़ को रोकने के लिए बब्बू भाई ने मीटिंग जो मुंबई अध्यक्ष के निर्देशानुसार रखी है। जनाब नदीम जावेद साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, उनके आदेशानुसार हम लोगों ने और हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सपरा जी, उन और हमारे मुंबई अध्यक्ष बब्बू खान साहब के आदेशानुसार हम लोग आज 21 तारीख को मुंबई उत्तर पश्चिम जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग हमने रखी थी। उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि हम लोग घर घर जाएं, वार्ड अध्यक्ष की कमेटी बनाएं,
कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। तालुका अध्यक्ष जो हमारे असेंबली प्रेसिडेंट है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी कमेटी, वार्ड की कमेटी, ये सारी हम पुनर्बांधनी कर रहे हैं। जो कोरोना काल से एक लंबा गैप छूटा हुआ था, आज हमने सिर्फ कार्यकारिणी की मीटिंग, वो भी एज पर रूल, कोरोना का जो रूल चालू है उसको देखते हुए, सोशल मेंटेन करते हुए, हमने हमारे सिर्फ कार्यकारिणी को ही बुलाया था, उनको सजेस्ट किया हमारे संजय निरुपम साहब ने, अशोक बाबू जाधव साहब ने, क्लाडाई साहब ने, हमारे गफूर भाई ने, हमारे सब हाजी बब्बू खान साहब ने, हमारे सभी जिले के बड़े बड़े नेता यहाँ आए थे उनको मार्गदर्शन देने के लिए। उनसे कहा गया है कि लोगों के बीच जाएं, जो वार्ड अध्यक्ष बनते हैं, वार्ड की कमेटी बनते हैं, वो हमारे संजय अनुपम साहब ने कहा कि वो प्रत्येक दिन 10 घर में जाएं और उनसे नोट डाउन करें कि उनके क्या तकलीफ़ है, उन्हें क्या शिकायत है, क्या चल रहा है, उनकी खैर खैरियत पूछें, उनके कामों को लेके हमारे पास आएँ। ये हमको हमारे बड़े नेताओं ने सजेशन किया, और माइनॉरिटी हमारे कांग्रेस का दिल है, दिल पे अगर ज़रा भी तकलीफ आती है तो आदमी लेट जाता है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए माइनॉरिटी को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे हमारे नेताओं ने सजेशन दिया। हमारे नेताओं ने कहा कि हमको घर घर जाके पार्टी को मजबूत करना है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें सजेशन दिया कि हमें हर वार्डों में ऑफिस चाहिए, हम लॉबी का शिकार हो जाते हैं, इस नेता के पास नहीं जाना, उस नेता के पास नहीं जाना, इस तरह का जो माहौल होता है वो हटाते हुए हमको हर एक वार्डों में ऑफिस दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, उनको इज्जत दीजिए। हमारे नेताओं ने भी कहा कि आप जाएं मौलाना के पास में जाएं, पादरी के पास में जाएं, चर्च में जाएं, इधर जाएं, हर जगह जाके माइनॉरिटी जो है उनको एक साथ जोड़ने का काम करें। हमारी पार्टी के अंदर फ्रीडम है, अपनी बात रखने का अधिकार है, दूसरी पार्टी के अंदर नेताओं अपनी बात रख दे अपने नेता के सामने, वहाँ से इतना बड़ा ऐसा दूसरा एक आग घूरेगा, आग घूर लेगा तो वो उसकी बोलती बंद कर देगा जो बोलने वाले कार्यकर्ता। तो फ्रीडम और सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, ये वो पार्टी है। मेरा नाम मोहम्मद याकूब सैद है, मैं असेंबली 163 तालुका प्रेसिडेंट, जिसमें मैं तालुका से ईस्ट वेस्ट जो जिसमें मेरे साथ वार्ड आते हैं, ये वार्डों की समस्या इस तालुके में बहुत ज़्यादा है। इस वार्ड की समस्या ये है कि यहाँ पर पिछले टाइम में एक बार महापौर रह के गए शिवसेना के, और एक मिनिस्टर रह के गई है विद्या ठाकुर, जो वो समस्या भी पूरा नहीं कर पाई है। इसके बाद में अभी सुभाष देसाई जी भी हैं, तो समस्या पे पूरा काम जो करना चाहिए वो काम अभी नहीं हो रहा है। और रहा सवाल अभी नेक्स्ट कॉरपोरेशन इलेक्शन की, वो तैयारी में जुटे हैं, तो जब तैयारी में जुटे, जब काम ही कुछ नहीं किए तो क्या लेके जाएंगे। इसीलिए हम लोग तालुका को नए लोगों को जोड़ करके डोर टू डोर जा करके उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका जितना भी शौचालय से लेकर के, पानी की लाइन से लेकर के, गटर से लेकर के, और जितनी भी दुनियावी सुविधा है वो हम लोग पूरी करके देने की आशा रखते हैं, और करने की पूरी तैयारी है हमारी। कॉरपोरेशन पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर मोर्चा लेकर के भी हम लोग बीएमसी के ऊपर धरना बोल के लोगों की समस्या पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हमारे गफूर खान जी के नेतृत्व में, हमारे फिरोज़ भाई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, संजय निरुपम जी के नेतृत्व में, और बेसिक के क्लाइडाइस और नेतागण के नेतृत्व में, और भाई जगताप के नेतृत्व में, पूरे मुंबई में आशा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी आनी चाहिए।
सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।